हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट राजस्थान मैप। और राजस्थान मैप की स्टडी आपके लिए ज्योग्राफिकल वाइज अच्छी रहेगी, इससे आपकी ज्योग्राफी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हमने सीमावर्ती जो राज्य हैं किस किस के साथ में आपके हमारे राजस्थान की जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस करती हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तर में पंजाब है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हरियाणा है, फिर आपके यूपी है जो भरतपुर और धौलपुर के पास में है, आपके कौन सा ये नीचे वाला एरिया मध्य प्रदेश है, और ये गुजरात है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के आपके देश हो गया। तो पांच जिले हैं यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जो कि राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा संभाग की तरफ जाएंगे क्योंकि संभाग से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम संभाग की बात करते हैं, भरतपुर संभाग जो कि टूटलीपुरम में है, तो उसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली चार जिले आ जाते हैं आपके। कैसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, सेक्स रेशियो भी सबसे कम है। तो कौन सा संभाग है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो आपका भरतपुर संभाग है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम तो दक्षिण पूर्व की तरफ मान लेते हैं इसे, तो यहाँ पे कोटा संभाग आ जाता है, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा संभाग, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, आपके कोटा संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपके भरतपुर संभाग है। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम साउथ, बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण में, तो आपके कौन सा है, उदयपुर संभाग, जिसमें छः जिले हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इन छह संभागों से मिलकर आपके कौन सा संभाग, इन छह जिलों से मिलकर कौन सा संभाग मिल रहा है आपको, उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर संभाग कैसा है, एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति वाली जो जनसंख्या है यहाँ पे सर्वाधिक निवास करती है। और कैसा दूसरा स्पेसिफिक करेक्टर इसका, सेक्स रेशियो है वो सर्वाधिक है। तो सेक्स रेशियो सर्वाधिक वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग है। सबसे कम वाला संभाग कौन सा है, वो भरतपुर संभाग है। अब हम आते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, अजमेर संभाग, जिसमें आपके चार जिले आएंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ये अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपके, अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में। और इसके लिए ट्रिक है अभी ना टोक, टोक से टोंक हो गया, ना से नागौर हो गया, आ से अजमेर हो गया, बी से भीलवाड़ा हो गया। अजमेर संभाग है, इसका स्पेशल करेक्टर है केंद्रीय स्थिति वाला संभाग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग को याद, इसमें जिले जो आते हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है बी का चूहा, यानी कि बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी कि जस्ट ऊपर उत्तर की तरफ है, राजस्थान के उत्तर की तरफ आपकी बीकानेर संभाग है। और इस संभाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस संभाग में आपको एक भी नदी नहीं मिलेगी देखने को। साथ में ही इस संभाग की विशेषता क्या है, यहाँ पे ऐसी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, ऐसी जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पे है। अब हम आते हैं जोधपुर संभाग की तरफ। ठीक है, तो जोधपुर संभाग में ये आपके आ जाएंगे छः जिले ये वाले, इसकी याद करने की ट्रिक है ट्रिपल जे बसपा, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। तो इससे इन तीनों जिलों, छः जिलों से मिलके आपके कौन सा संभाग मिलके बना है, इससे आपके संभाग मिल रहा है आपको जोधपुर संभाग, छः जिलों से मिलके। और जोधपुर संभाग की क्या खासियत है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और दूसरा दूसरा करेक्टर इसका, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग वर्ग प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर मिलने वाली जनसंख्या का जो संख्या होगी वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है, वो सबसे कम होगा। अब हम आते हैं जयपुर संभाग, बचे हमारे सारे जिले हो गए। जयपुर संभाग ये रहा आपका जयपुर, दौसा, सीकर और ये झुंझुनू और अलवर। ठीक है,
पांच जिलों से मिलकर आपके जयपुर संभाग मिलकर बना है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आपके जयपुर संभाग है, ठीक है। साथ में ही क्या है, दूसरा स्पेशल करेक्टर है आपके सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा आपका जयपुर संभाग है। साथ में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या, एससी की सर्वाधिक जनसंख्या आपके जयपुर संभाग में मिलेगी। तो एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से संभाग में, आपके जयपुर संभाग में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जबकि प्रतिशत है एससी संख्या का प्रतिशत है वो कहां देखने को मिलेगा आपको, बीकानेर। जबकि एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत आपको कहां देखने को मिलेगा, उदयपुर संभाग में, ठीक है। ओके, चलिए हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कौन सा है, तो केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है अजमेर संभाग, जिसमें आपके चार जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ओके, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो है आपके भरतपुर संभाग, जिसमें आपके चार जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो वो जयपुर संभाग है। ओके, एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो भी आपके जयपुर संभाग है। ओके, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, वो कोटा संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, वो जयपुर संभाग है। आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे, कौन से पांच राज्य हैं जो राजस्थान की बाउंड्रीज को टच करते हैं, तो यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो ये मैप की थोड़ा सा आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाता है, बाउंड्रीज पता चल जाएंगी। ये आपके कोटा संभाग हो गया, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर संभाग हो गया, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जयपुर संभाग हो गया, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये बीकानेर संभाग हो गया, ठीक है। अब अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये आपके अजमेर संभाग हो गया, ये आपके उदयपुर संभाग हो गया और ये आपके जोधपुर संभाग हो गया, ठीक है। ये संभाग हो गए हमारे केंद्रीय स्थिति वाला संभाग। अब यहाँ पे देख सकते हो अजमेर को राजस्थान का हृदय इसलिए बोलते हैं क्योंकि केंद्र मिलता है, तो केंद्रीय स्थिति वाला संभाग अजमेर हो गया। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपके भरतपुर संभाग हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप अगर बेसिक्स क्लियर करने के बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।